हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी नंबर और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, उसकी डेफिनेशन देखी थी और आज हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से स्टार्ट करना था। अच्छा, पिछले लेक्चर को जिसने नहीं देखा है, मेरा अनुरोध है कि आप सब पहले पहला लेक्चर देखें ताकि इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आए, ठीक है ना। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा नीचे, नहीं तो एक आई बटन होता है वहाँ पर भी आप जाके क्लिक करके उस लेक्चर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। चलिए आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने हालांकि समझा दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो जो समझाया था बस उसी को लिखना है, वही उसकी डेफिनेशन है। जैसा कि हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, लेट ए एंड बी आर रियल नंबर्स, let a and b are real numbers, then number of the form, बताइए क्या फॉर्म था नंबर ऑफ a प्लस आई बी, है ना। नंबर ऑफ द फॉर्म जो हमारा था a प्लस आई बी टाइप का था, इसको अब हम z लिखा करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, प्लीज याद रखिएगा, z की जगह आप चाहे तो जीटा इस्तेमाल कर सकते हैं या w इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आप इस्तेमाल करें, हम z इस्तेमाल किया करेंगे। यानी कि जहां जहां z लिखा जाएगा उसका मतलब होगा a प्लस आई बी हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। इज कॉल्ड एन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जहां पे आप याद रखिएगा, जो a है वो पूरी तरह रियल पार्ट है और जो आई बी है वो पूरी तरह इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि ए तो रियल है और बी भी रियल है, इमेजिनरी यदि कोई है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ आयोटा है। यानी कि आयोटा जिससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा वो वाला पार्ट अपने आप इमेजिनरी हो जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो आई बी है ये पूरी तरीके से कैसा नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि ए और बी, याद रखिएगा बी इमेजिनरी नहीं है, बी इमेजिनरी नहीं है, ए तो रियल है ही है। पर आपको याद रखना होगा, देखिए हमने क्या लिखा था कि ए और बी दोनों कैसे हैं, रियल, यानी कि ये भी क्या है, रियल। यदि कोई मल्टीप्लीकेशन हो रहा है आई के साथ, कोई भी नंबर यदि आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देन दैट विल बी नोन एज इमेजिनरी नंबर, अदरवाइज ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर्स, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर हम यहाँ पे एक और बात लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को शॉर्टकट में सीएन लिख रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो स्पेसिफाइड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर आप जानते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स ए कॉमा बी। अब आप सभी बोलेंगे कि सर हाँ, यदि ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं, यानी कि कार्टेशियन प्लेन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलूंगा हाँ बिल्कुल, कार्टेशियन प्लेन में भी अब हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यदि हम ऑर्डर्ड पेयर में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, जो हमारी एक्स एक्सिस थी वो कौन सी एक्सिस हो जाएगी, रियल एक्सिस हो जाएगी। जो हमारी वाई एक्सिस थी वो कौन सी एक्सिस हो जाएगी, इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारा प्लेन होगा ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसको हम वहां पे 2D प्लेन बोलते थे, ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंड प्लेन। तो ये हमारा हो गया आर्गेंड प्लेन। अब यदि हमें ए कॉमा बी को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो ये मान लीजिए हमारा ए है, ये मान लीजिए हमारा बी है। तो अब जहां पे ये मिलेंगे वहीं पे पॉइंट लोकेट हो जाएगा ए कॉमा बी, यानी कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर लोकेट हो गया। जहां पे हमें ए रियल पार्ट दे देगा और बी हमें क्या दे देगा, इमेजिनरी पार्ट दे देगा। तो ये हो गया हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब जब हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात की तो इसकी भी डेफिनेशन लिख ही लेते हैं। तो बताइए कॉम्प्लेक्स प्लेन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो हम पढ़ते हैं वही हमारे लिए डेफिनेशन हो जाती है, जो हम समझते हैं वही हमारे लिए डेफिनेशन हो जाती है। तो कॉम्प्लेक्स, सॉरी मैंने एनालिसिस लिख दिया, कॉम्प्लेक्स प्लेन की डेफिनेशन होगी क्या, ए कॉम्प्लेक्स प्लेन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मैथमेटिशियन आर्गेंड एंड सो दिस इज कॉल्ड आर्गेंड प्लेन।
है ना, क्योंकि आर्गेंट ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए हम इसे आर्गेंट प्लेन बुलाने लग गए। एंड सिंस वी आर रिप्रेजेंटिंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर सी एन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। सही बात है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी, ये हमने डेफिनेशन लिख दी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन इंट्रोड्यूस हुआ, किसने किया, आर्गेंट ने इंट्रोड्यूस किया, तो उस कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम क्या बुलाने लग गए, आर्गेंट प्लेन बुलाने लग गए। और आर्गेंट क्योंकि जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, तो हमने बोला यार कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेन है, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। अच्छा, किसी भी चीज को लिखने का, जैसे जब मैं आपसे बोलूं कि नेचुरल नंबर्स के सेट को हम लिखते थे तो हम कैपिटल एन यूज करते थे, एक बोल्ड लेटर्स वाला कैपिटल एन, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, तो द सेट ऑफ ऑल, ये नेक्स्ट पॉइंट है, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिनोटेड बाय दिस स्पेशल टाइप का सी, है ना। आप इसको बोल्ड भी बना सकते हैं, है ना, थोड़ा मतलब ज्यादा डार्क कर दें इसे, बोल्ड लेटर्स में लिख दें, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर। आप बोलोगे सर नॉर्मल सी क्यों नहीं, क्योंकि नॉर्मल अल्फाबेट्स तो हम बाकी नॉर्मल सेट्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो हमारे पास स्पेशल सेट्स होते हैं उनके लिए हम जो है बोल्ड लेटर्स का यूज करते हैं। अच्छा, अब यदि सेट की बात कर दी तो किसी भी सेट को लिखने के दो निश्चित तरीके होते हैं, एक तो होता है टेबुलर फॉर्म और एक होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में यदि मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को, तो मैं लिखूंगा ये बोल्ड लेटर्स वाला सी हमारा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, और टेबुलर फॉर्म में यानी कि टेबल की तरह लिखा जाता है तो कर्ली ब्रैकेट यूज करके मैं लिखूंगा ए वन प्लस आई बी वन, फिर कॉमा से सेपरेट करते जाऊंगा हर एलिमेंट्स को, ए टू प्लस आई बी टू एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा टेबुलर फॉर्म आ जाएगा। लेकिन जो सबसे बढ़िया वे होता है किसी भी सेट को लिखने का, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। आप सब अच्छे से जानते हैं दोस्तों, भूलिएगा मत, हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को, यहां से लेके हम काउची गौसार्ट थ्योरम, काउची इंटीग्रल फॉर्मूला, सारी थ्योरम देखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार सारी बातें क्लियर हो जाए। मैं आपको यही बताऊंगा कि जो पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री की बात की है वो हिस्ट्री अभी भी थोड़ी सी बची हुई है, उस हिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी बताया नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। हम थ्योरम्स भी देखेंगे, परेशान मत होइए। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए a प्लस आई बी सच डेट a कॉमा बी आर रियल नंबर, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका हो गया, जहां पे ना जितने भी इस तरीके के नंबर होंगे जहां a और b रियल है, ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, चाहे तो आप a प्लस आई बी लिखें, चाहे तो आप a प्लस बी आई लिखें, बात एक ही होगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप देखिए मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, a तो अकेला ही है। आई बी और बी आई का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है, आप सभी ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, मतलब पिछली क्लासेस में देखा होगा, छोटी क्लासेस में, कि कामुटेटिव लॉ को होल्ड करता है। और कामुटेटिव लॉ को यदि होल्ड करता है तो हम अच्छे जानते हैं कि यदि 2 इंटू 3 करूं या 3 इंटू 2 करूं, बात एक ही है। उसी तरह चाहे आई इंटू बी करूं चाहे बी इंटू आई करूं, बात एक ही है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि ए प्लस आई बी लिखें या ए प्लस बी आई लिखें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारा जो अगला पार्ट है वह है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर सी एन, ठीक है ना। अब देखिए यदि हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, है ना, इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर, तो याद रखिएगा दोस्तों, पहला इसमें बात यह है कि ए इज कॉल्ड ए रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सी एन, है ना, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सी एन जेड, विच इज एब्रीविएटेड एज, जिसे किस तरीके से लिखा जाएगा, ये जो ए बात कर रहा हूं मैं, अब इसकी बात कर रहा हूं, विच इज एब्रीविएटेड एज, देखिए कैसे लिखा जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड इज नथिंग बट
ए। अब z की जगह वैल्यू भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए प्लस आई बी फॉर्म का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो होता है ए, ठीक है ना। तो ए प्लस आई बी फॉर्म का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो रियल पार्ट है वो ए होता है, ठीक है ना। अच्छा, यदि मैं इसी का बिल्कुल आप अपोजिट समझ गए होंगे कि जो हमारा बी है, बी इज कॉल्ड ए इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड विच इज एब्रीवेटेड एज कैसे लिखेंगे हम इसे? बिल्कुल सही दोस्तों, जो आप सोच रहे हैं, आई एम यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू बी, और यहां पे भी हम जेड की वैल्यू रख दें ए प्लस आई बी। तो आप देख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो बी है वो क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा दोस्तों। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, इसमें मैं कुछ बातें और बता दूं। जैसे यदि मैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं ए को जीरो कर दूं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं ए को जीरो कर दूं, क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ आई बी बचेगा। देन जेड इज इक्वल टू आई बी बचेगा, इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। क्यों भैया, क्यों? अरे ध्यान से देखिए, यदि आपने ए को हटा दिया तो रियल पार्ट पूरी तरह गायब हो गया, और आई का मल्टीप्लीकेशन में जो भी नंबर हो हमें उससे लेना देना नहीं, वो पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो आई बी इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक। और यदि मैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में बी को जीरो करता हूं, देन जेड इज इक्वल टू क्या बचेगा? ए, जिसको हम क्या बोलेंगे? जाहिर सी बात, इमेजिनरी पार्ट उसका खत्म हो चुका है। देन जेड इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड प्योरली रियल, वो पूरी तरीके से कैसा हो जाएगा? रियल। और यहीं से दोस्तों बिल्कुल सही हमें एक बात समझ में आ गई कि रियल नंबर का सेट इज टोटली कंटेंट इन अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं यदि सेट फॉर्म में लिखूं तो मैं रियल नंबर्स को कैसे लिख सकता हूं? जरा गौर से देखिएगा, ए प्लस जीरो आई सच दैट ए जीरो बिलोंग्स टू रियल इज टोटली कंटेन्ड इन अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते थे दोस्तों? ए प्लस आई बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल। गौर से देखिए, इसमें जब ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा आई बी वाला, तो ये वाला सेट बचेगा। यानी कि रियल नंबर का सेट टोटली किस में कंटेन करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में कंटेन करता है। और यहीं पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि याद करिए कि जो रियल नंबर का सेट था, रियल नंबर सिस्टम था, खुद दो पार्ट में डिवाइडेड था। कौन कौन सा याद होगा आपको? रैशनल एंड इरेशनल। सही बात है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है, इसके दो पार्ट हैं, एक खुद रियल और दूसरा क्या है? इमेजिनरी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक नंबर सिस्टम दूसरे नंबर सिस्टम में कंटेन कर गया। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हैं, एक रियल नंबर सिस्टम, और रियल नंबर के फिर बाकी पार्ट्स आप जानते हैं, रैशनल, रैशनल इंटीजर्स, वो सब आप जानते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा पार्ट क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। इससे समझ में आ रहा है कि रियल नंबर खुद कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेन कर रहा है, इमेजिनरी नंबर खुद कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेन कर रहा है। तो इस तरीके से हमने बात कही कि जितने भी रियल है, और रियल नंबर्स को लिखने का तरीका देखिए, उनका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। तो इस तरीके के जो भी नंबर्स होंगे वो इस तरीके से कंटेन करेंगे किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। दोस्तों आगे हम देखते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अब देखिए इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजी सी बात है। देखिए ए प्लस आई बी, मैं यहां पर डेफिनेशन की फॉर्म में लिख देता हूं, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी एंड सी प्लस आई डी आर इक्वल व्हेन ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। ये तभी इक्वल होंगे, यानी कि आप यदि ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि ए प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए किसके बराबर हो? सी के बराबर हो, और बी किसके बराबर हो? डी के बराबर हो। ये आमतौर पर समझ में आई नहीं बात। तो देखिए जरा अलग स्टाइल में हम अपने वे में समझते हैं। यदि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी से ही लेके समझते हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। सॉरी, ये डी है, सी प्लस आई डी है। तो यदि ये दोनों इक्वल हैं तो क्यों ना हम इनको इधर ले आए? तो देखिए, ले आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? ए प्लस आई बी बचेगा, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस का सी प्लस आई डी हो जाएगा,
और इज इक्वल टू में क्या बचेगा दोस्तों, जीरो बचेगा, ठीक है ना। अब जरा गौर से देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, क्या हम इसको पहले अरेंज कर लेते हैं सारे रियल पार्ट को एक तरफ, सारे इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ। तो देखिए क्या बचेगा, ए माइनस सी और प्लस क्या आ जाएगा, आई टाइम्स बी माइनस डी आ जाएगा, है ना। आप देखिए ए प्लस आई बी, ये ब्रैकेट खोलिए तो माइनस सी हो जाएगा, तो ये माइनस सी को इसके साथ में लिख लिया, ऐसे ये माइनस आई डी हो जाएगा और ये प्लस का आई बी है, तो आई कॉमन लेंगे बी माइनस डी बचेगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, जीरो। तो ये बताइए दोस्तों, क्या मैं जीरो को जीरो प्लस जीरो आयोटा नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। और अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से आप कंपेयर करके देखिए, तो क्या आ जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा और यहाँ पे b माइनस डी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, है ना। आयोटा वाले पार्ट में जो उनके कॉफिशियंट है उनको इक्वेट कर दीजिए, तो a बराबर क्या आ गया दोस्तों, c आ गया, b बराबर दोस्तों क्या आ गया, d आ गया। तो मेरे ख्याल से आपने देखा होगा यही चीज हमने लिखी थी, a इज इक्वल टू c और b इज इक्वल टू d, ये मेथड है उसकी किस तरीके से लाया गया था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है तरीका। अब आप बोलेंगे सर इसकी जरूरत क्या, तो मैं आपको बता दूं किन्हीं भी कॉम्प्लेक्स नंबरों को जब हम कंपेयर करना चाहेंगे तो हमें इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने बोला टू प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू फाइव माइनस आयोटा, मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो आप अच्छे जानते हैं हमें रियल पार्ट को पहले अरेंज करना है। तो देखिए ये दोनों तो रियल होंगे, 2 प्लस एक्स, क्यों, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट केवल वही है जिसके साथ आयोटा है, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू फाइव प्लस, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए माइनस वन इंटू आयोटा। अब फिर से हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू फाइव और मुझे यहां पे क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस वन। तो देखिए y की तो वैल्यू हमें पहले मिल गई, y बराबर माइनस वन, और यहां पे क्या मिल जाएगा, x बराबर फाइव माइनस टू, जहां पे हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, थ्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से इक्वालिटी ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मदद करेंगे x और y की वैल्यू निकालने में। आप इसे एज अ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए होंगे, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y इफ This is given to you, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताएंगे कि हमें क्या करना है, कैसे निकालना है। आप देख सकते हैं कैसे आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करके उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा था कि दो साइंटिस्टों के बारे में हमने बात कर लिया था, एक तो हमारे पास जो सी एफ भाई साहब थे, सी एफ गॉस, और दूसरे हमारे पास जो थे यूलर साहब। इन दोनों की बातों के बाद अब तीसरे साइंटिस्ट आते हैं, हैमिल्टन साहब। तो हैमिल्टन साहब जब आते हैं तो इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर में अरिथमेटिक अप्रोच लगाया। आप सभी अरिथमेटिक अप्रोच से बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे, क्या होते हैं, यानी कि किन्हीं भी नंबरों का एडिशन, किन्हीं भी नंबरों का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, तो ये सारे अरिथमेटिक अप्रोच होते हैं। तो इन्होंने अरिथमेटिक अप्रोच में जो पहला अप्रोच दिया वो क्या था, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इन्होंने ये कहा कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि आप एडिशन करोगे तो जो बदले में आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे कि हम एक ले ही लेते हैं, हमने एक ले लिया z1 बराबर a1 प्लस ib1 और एक ले लिया दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 बराबर a2 प्लस ib2। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास आ जाएगा z1 प्लस z2 बराबर, इन दोनों को लिखेंगे हम a1 प्लस ib1 प्लस ए टू प्लस आई बी टू। अब हमें इन दोनों को सिर्फ ऐड करना है, तो हमें पता हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल से रियल को जोड़े ए वन प्लस ए टू और आई टाइम्स बी वन प्लस बी टू, सही बात है। अब देखिए सर ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर है। यदि इस पूरे को मैंने लिख लिया कैपिटल ए प्लस आई को आई रहने दिया, इस पूरे को मैंने लिख लिया कैपिटल बी, तो देखिए हमारे पास कैसा फॉर्म आ गया, ए प्लस आई बी का फॉर्म आ गया, यानी कि z1 प्लस z2 भी अपने आप में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यदि z1 कॉम्प्लेक्स नंबर था और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर था तो उन दोनों का एडिशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है, ठीक है ना। तो एडिशन के ऊपर हमने बात कर लिया, अब हम जरा बात करें सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए क्या है, हो गया हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत होगी, z1 बराबर
ए वन प्लस बी वन आई या आई बी वन, और जेड टू बराबर ए टू प्लस आई बी टू। इन दोनों का हमें क्या करना है, अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों ऑलरेडी, अब हमें क्या करना है जेड वन माइनस जेड टू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए वन प्लस आई बी वन माइनस दिस ए टू प्लस आई बी टू, सही बात है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो देखिए क्या जाएगा हमारे पास, ए वन माइनस ए टू प्लस आई टाइम्स बी वन माइनस बी टू, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए वन है, ये माइनस के ए टू इधर आ गया, ये आई बी वन है और ये माइनस का आई बी टू है, आई कॉमन ले लिया, अंदर बचा बी वन माइनस बी टू। तो ये हमारे पास आया कितना, Z1 माइनस Z2 की वैल्यू। मैं फिर से वही तरीका जो अभी आपने पीछे लिखा था कि Z1 माइनस Z2, देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया A, और ये क्या हो गया प्लस I टाइम्स B, सही बात है। तो आप देख सकते होंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ चुका है, इनका सब्ट्रैक्शन भी। तो याद रखिएगा यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनका यदि एडिशन पूछा जाए तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और यदि उन दोनों का सब्ट्रैक्शन पूछा जाए तो वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगली बात करें हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं इसीलिए, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए कैसे होगा। फिर से वही अप्रोच, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले रहे हैं, जेड वन बराबर ए वन प्लस आई बी वन प्लस फिर सॉरी जेड टू बराबर आई ए टू प्लस आई बी टू, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, जेड वन इंटू जेड टू बराबर, यदि हम लेंगे इन दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, बिल्कुल रियल नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन जैसा होता है, कोई टफ काम नहीं है। ए प्लस आई बी और दोनों में हमने वन वन, और ये हमारा ए टू प्लस आई बी टू। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप कैसे करेंगे, पहले ए वन का इनके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वन ए टू, सही बात है। अरे आप इन दोनों का कर रहे हैं, फिर ए वन आई बी टू प्लस इसका करेंगे आप आई बी वन ए टू प्लस इसका करेंगे आप बी वन बी टू। लेकिन याद रखिएगा जब बी वन और बी टू का मल्टीप्लीकेशन होगा तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहां पे हम इसको अरेंज कर दें, ए वन ए टू प्लस ए वन बी टू आयोटा प्लस आयोटा बी वन ए टू प्लस, अब देखिए आयोटा स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, हमें पता आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस वन, तो ये माइनस साइन यहां आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का बी वन बी टू। इन्हें हम जब अरेंज करेंगे, जो आयोटा वाले पार्ट है उनको एक तरफ, जो आयोटा वाले नहीं हो उनको एक तरफ, तो ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू, ये आ गया हमारे पास रियल पार्ट, प्लस आयोटा कॉमन लिया ए वन बी टू प्लस बी वन ए टू, ठीक। फिर से आप देख सकते हैं हमारे जो Z1 into Z2 इधर चल रहे थे वो भी जो उनका आंसर आया है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही आया है, दिखा होगा आपको मेरे ख्याल से। Z1 Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, यदि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लीकेशन देख लिया, डिवीजन भी देख ही लेते लगे हाथ। तो देखिए डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए क्या होगा, हमें फिर से वही एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या ले लिया, Z1 यानी कि A1 प्लस IB1, और एक और ले लिया Z2 बराबर A2 प्लस IB2। इन दोनों का हमें डिवीजन निकालना है जहां पे Z1 बाय Z2। अच्छा एक बात हो सकता है, कोई इस बात को ध्यान ना दे, ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो यानी कि एट अ टाइम A2 और B2 दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, A जीरो चलेगा लेकिन बी नहीं होना चाहिए उसके साथ में, एक साथ दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, है ना, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो याद रखना, अभी आपने क्या बोल दिया सब, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, याद रखिएगा ऐसा कोई भी नंबर जीरो प्लस जीरो आयोटा, ये क्योंकि देखिए इसका रियल पार्ट जीरो है, रियल पार्ट जीरो है, और रियल पार्ट जीरो है तो बाकी बचा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, सही बात है। लेकिन इसका तो बी पार्ट भी जीरो है तो ये प्योरली रियल भी हो जाएगा क्योंकि जीरो एक रियल नंबर है, इसीलिए हम बोलते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसको हम सिर्फ जीरो लिख सकते हैं वो प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं आनी चाहिए Z2 में, क्योंकि Z2 से आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना याद रखना चाहिए कि वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए वन प्लस आई बी वन अपॉन में आ जाएगा ए टू प्लस आई बी टू,
लेकिन सर अभी तक आपने जितनों को भी बताया सब a+ib, a+ib, वो पिछला वाला भी a+ib के फॉर्म में था, सही बात है। यहां कहां दिख रहा है आपको a+ib? ये तो a1+ib1/a2+ib2 है। हम इसको सेपरेट भी करें तो भी दिक्कत जाएगी, तो जरा गौर से देखिए। इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो a2 - ib2/a2 - ib2, सिर्फ साइन चेंज कर दिया है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पता है कि a1+ib1 a2 - ib2 का हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो डायरेक्ट लिख ही देते हैं a1 a2, और यहां पे क्या हो जाएगा -a1 ib2, फिर क्या हो जाएगा +ib1 a2, और ये आपका पता है प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा आपका आयोटा b1 b2 और आयोटा का स्क्वायर। अपॉन में क्या चलेगा, a+b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b² यानी कि आयोटा b2 का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, रियल पार्ट एक तरफ a1 a2, और ये माइनस का है आप देख सकते हैं b1 b2, लेकिन आयोटा स्क्वायर क्या कर देगा, इसे पॉजिटिव कर देगा। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का b1 b2, ये हमारे पास आ गया रियल पार्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको आयोटा वालों को कॉमन लेने, आयोटा वाले तो अंदर क्या बचेगा आप देख सकते हैं, यदि यहां पे ले लें या किसी को भी ले लें, तो हमारे पास आ गया a2 b1 - ये आ जाएगा आपका a1 b2, ठीक है ना। मैंने इस तरफ इधर लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया, मैं माइनस साइन कॉमन नहीं लेना चाह रहा था। अपॉन में क्या चल रहा है दोस्तों, a2 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर, चलिए लिख दिए आयोटा का स्क्वायर, और लेकिन यहां पे माइनस साइन पहले से, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक आखिरी स्टेप, a1 a2 + b1 b2 अपॉन में सेपरेट कर दो, तो आ जाएगा a² + a2² + b2² + i टाइम्स, अब आपको दिखने लग गया होगा दोस्तों, a2 b1 - a1 b2 अपॉन में a² a2² + b2² दिखा होगा आपको। और ये हमारा क्या चल रहा है इधर पे, z1 / z2, सही बात है। अब जरा गौर से देखिए क्या आपको a+ib की फॉर्म दिखने लग गई कि नहीं दिखने लग गई, मेरे ख्याल से दिखने लग गई होगी। आप देखिए ये पूरा रियल पार्ट, यानी कि ये हो गया a+, ये रहा प्लस, और फिर ये i, और ये पूरा हमारा इमेजिनरी पार्ट b। तो हमारे पास इस तरफ क्या चल रहा हुआ है, z1 / z2। तो देखिए z1 / z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यानी कि आप किन्हीं भी दो नंबरों को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, यदि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो आंसर आएगा वो भी बदले में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है ना। अगली क्लास में हम देखेंगे एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कैसे कॉमुटेटिव लॉ को होल्ड करता है, कैसे एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, और फिर उसके अगले लेक्चर में हम थ्योरम्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।